ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी राजनीतिक दल एक नई रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। विपक्ष जहां किसान आंदोलन, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था का सहारा लेकर केंद्र एवं योगी सरकार पर जमकर निशाना साध रही है, वहीं सत्ताधारी दल भाजपा और उसके सहयोगी राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और मथुरा जैसे मुद्दों के साथ मैदान में हैं। सभी राजनीतिक दल अच्छे से जानते हैं कि कहीं न कहीं जिस तरफ प्रदेश का किसान होगा उसकी राह उतनी ही आसान होगी। इसी कड़ी में आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लखनऊ कार्यालय में किसान नेताओं के साथ अन्न संकल्प लिया। इस दौरान अखिलेश यादव ने किसानों से कई वादे भी किए और किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और ब्याज मुक्त लोन देने का ऐलान किया। सियासी चर्चा है कि केंद्र सरकार द्वारा 2020 में लाए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने साल भर तक प्रदर्शन किया। देश भर के किसान सर्दी, गर्मी, बारिश में दिल्ली की सीमाओं पर बैठे रहे। बंगाल चुनाव में भी इसका असर साफ देखने को मिला और ममता बनर्जी ने भाजपा को पटकनी दे दी। ठीक ऐसा ही हाल आगामी 5 राज्यों में न हो, इससे बचने के लिए केंद्र सरकार ने सबसे पहले तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। इसके बावजूद मुख्य रूप से पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसानों में बीजेपी के खिलाफ रोष अब भी व्याप्त है। भाजपा के प्रति किसानों में फैले रोष को देखते हुए सभी विपक्षी दल इसका फायदा उठाना चाहते हैं। बता दें, सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज कुछ किसान नेताओं के साथ मिलकर अन्य संकल्प लिया। इस दौरान सपा कार्यालय में लखीमपुर के तेजिंदर बेल्की भी मौजूद रहे। ये वही तेजिंदर है जिन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश हुई थी जिसमें वो घायल हो गए थे। अन्य संकल्प लेते हुए अखिलेश ने कहा कि किसान नेताओं और किसानों द्वारा किए गए संघर्ष के लिए मैं अपनी और समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। बीजेपी ने चुनावों में हार देखते हुए तीन कृषि कानून वापस लिए हैं। हम किसानों पर अन्याय करने वालों को हटाने का संकल्प ले रहे हैं। अन्य संकल्प लेते हुए अखिलेश यादव ने प्रदेश के किसानों से कई वादे भी किए। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की सत्ता में आने पर हमारी सरकार की तरफ से सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। किसानों के लिए बीमा और पेंशन का भी इंतजाम किया जाएगा। इस ऐलान से पहले अखिलेश ने अन्य हाथ में लेकर संकल्प लेकर बीजेपी को हटाने की किसानों से अपील की। उन्होंने कहा कि हम सभी संकल्प लेते हैं कि किसानों पर अन्याय करने वालों को हराएंगे और हटाएंगे। गन्ना किसानों का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि तो समाजवादी पार्टी और हमारे मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल करेंगे कि सभी फसलों के लिए MSP प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड भी अगर बनाना पड़ेगा, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाने का काम करेंगे जिससे किसानों का भुगतान न रुके। पत्रकार वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी और योगी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन तक ले जाने का दावा किया जा रहा है। योगी सरकार भी इस प्रकार के दावे कर रही है। हम जब अपना मैनिफेस्टो लेकर आएंगे तो हम जनता को किए गए तमाम वादों को पूरा किया जाएगा और किसानों को लेकर हम बात करेंगे। वहीं सपा प्रमुख से जब पार्टी के मैनिफेस्टो जारी करने का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी बीजेपी के मैनिफेस्टो घोषित करने के बाद अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। वहीं भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को लेकर पूछे गए सवाल पर अखिलेश यादव ने दो टूक अंदाज में कहा कि जब आजाद की और हमारी मुलाकात हुई थी तब 2 सीटें देने की बात पर सुलह बन गई थी, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। उनके पास किसी का फोन आया तो उन्होंने यह स्वीकार कर लिया और हमसे अलग हो गए। पता नहीं उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। ऐसे में सपा का क्या दोष है? मुझे तो इसके पीछे साजिश नजर आती है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो UP। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।